हेलो, हेलो। हाँ जी, कौन? क्या मेरी बात बिल्कुल हो रही है? हाँ, विक्कू से हो रही है। आपको नंबर किसने दिया? कौन बोल रहे हो आप? कौन बोल रहे हो? पहचानते भी नहीं हो आप तो बिल्कुल भी। नहीं, मैंने आपसे तो कभी बात भी नहीं करी। वॉइस मैंने सुनी सुनी भी नहीं लग रही है। कौन बोल रहे हो, अभी बता सकते हो आप मेरे को? सडनली 3-4 दिन पहले तो मिले थे हम। 4 दिन पहले? अच्छा, मिला होऊंगा, बट हो कौन आप? मैं नहीं जान रहा, थोड़ा बता तो दो, कौन हो आप? अरे, हमारी मैरिज तो फिक्स हुई ओ, तीन आप चार दिन हो? पहले। हाँ, प्रिया जी, आप हो? अच्छा हुआ जल्दी याद आ गया आपको। नहीं यार, मेरे को क्या पता था कि आप कॉल करोगे। सही, मैंने या फिर ऐसे ही? नहीं, सच में पता है, मेरे को लग ही नहीं रहा था कि आप कॉल करोगे, तो मैंने सोचा होगा किसी का कॉल, तो इसी वजह से मैं नहीं पहचान पाया। सॉरी उसके नहीं, कोई बात नहीं, लिए। और वैसे क्या कर रहे थे आप? बस कुछ नहीं, सडनली टेरेस पे आई थी अभी। अच्छा, और मम्मी पापा कहाँ हैं? घर पे ही हैं, बाहर हैं? अच्छा, नहीं, वो लोग घर पे। और तो तैयार? नंबर नंबर था तो मैंने सोचा लाओ अब कॉल कर ही लूं। अच्छा, नंबर वैसे मिला कहाँ से आपको? घर वालों ने दिया कि बात कर लो, फिक्स हो गया है तो अच्छा, कम, हाँ मतलब एक पहचान लो आपस में सब दोनों एक दूसरे हाँ की। ये तो है। काम लोग 5 या 10 मिनट के लिए मिले थे उस टाइम। हाँ वही। चलो, कोई वैसे नहीं, आपके पास नंबर नहीं था क्या? मेरे पास नंबर नहीं था। मैं सोच रहा था कि मैं किसी दिन नंबर ले लूँ आपसे। चलो, बढ़िया रहा कि आपने मेरे को कॉल कर लिया। हाँ, वैसे कॉल आपको करना चाहिए। कॉल तो करना चाहिए, बट नंबर ही नहीं है ना, तो कॉल कैसे करूँगा मैं आपको? यही तो दिक्कत हाँ, ये भी है। वैसे है। वैसे आप कंफर्टेबल क्या हो ना आप क्या मेरे साथ? मतलब मैं आपको ऐसा तो नहीं लगता हूँ कि ये बंदा मेरे साथ लाइफ टाइम तक नहीं रहेगा, या चीट करेगा, या लड़ाइयाँ करेगा, या नहीं दारू पीता है, मसाला खाता है, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। घर वालों ने बोला कि नहीं, लड़का सही है तुम्हारे लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़के को देखकर भी नहीं लग, वैसे भी नहीं लगा कि वो किसी की डिसरेस्पेक्ट करेगा या फिर ऐसा कुछ। तो अच्छा, ना, मैंने भी बोल दिया कि हाँ ठीक है, तो आपको सही लगता है तो सब कुछ सही है। चलो, वैसे मुझे भी कोई उसने कुछ दिखा नहीं था। कोई नहीं, मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर वाले कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे? उन्होंने हमें नहीं, वो होता है ना एक के, नहीं हमें बहू ऐसे नहीं, ऐसी चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसा चाहिए, कुछ ऐसे। नहीं, ऐसा मेरे फैमिली मेंबर्स नहीं चाहते कि बहू ऐसी होनी चाहिए, बहू ऐसी होनी चाहिए, बहू संस्कारी होनी हाँ, चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहू को जैसा अच्छा पसंद हो बस वही है। अच्छा आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मेरे को क्या प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे को भी नहीं है। बस तो वैसे क्या कर रहे हैं आप कुछ नहीं, अभी? बस मैं थोड़ा सा काम कर रहा था, फ्री होके बैठा था, फोन ही चला रहा अच्छा था। अच्छा ऐसा। हाँ, अगर और बताइए आपके बारे में। वैसे तो ये पूछ फर्स्ट कॉल है, कैसे ही मैं तो जो जो आप आपस पूछ लो वो मैं बता दूँ। हाँ, में। वैसे आपको कुछ, मतलब लड़की ऐसी होनी चाहिए, मतलब ऐसी नहीं चाहिए, वैसा कुछ है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है, बस यही है कि हाँ, जो मेरे साथ मतलब लाइफ टाइम तक, ऐसा तो है नहीं कि ये जीएफ वीएफ का रिलेशनशिप है, ये तो लाइफ टाइम तक चलेगा ना। हाँ, तो बस ये भी है। यही चाहिए कि हाँ, मतलब वाइफ अच्छी हो और सब कुछ अच्छा हो, नेचर वगैरह अच्छा हो, रिस्पेक्ट करना जानती हो मम्मी पापा की, बस ऐसा ही चाहिए वैसे था। मम्मी पापा के बारे में तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये भी है। क्योंकि देखो, एक मैरिज में क्या होता है कि दोनों ही फैमिली मेंबर की बॉन्डिंग होती है, तो सब रिस्पेक्ट से ही चलता है उसमें। बस बस यही है, जैसे कि एज देखी जाती है, जैसे 22 साल जब हाँ। ना लड़की की शादी कर दी जाती है, तो वही 22 साल तक जिन्होंने आपको मतलब पैदा किया वो माँ बाप है 22 साल के बात तो साथ। दूसरे माँ बाप है। बस वही है। वैसे क्या? लड़कियों को ना एक एडवांटेज होता है,
लड़के और लड़कियों को अरेंज मैरिज में, हाँ कि उनके दो दो माँ बाप होते हैं, ये तो है। उनके दो दो होते हैं, मतलब एक की ब्लेसिंग्स तो दो दो की ब्लेसिंग्स तो पहले से ही होती है, हाँ और फिर दूसरे दो की आ जाती है, तो चार ब्लेसिंग्स के साथ अच्छे रिलेशन बनते हैं ना, एक मैरिज परफेक्ट होता है। लव मैरिज में भी ऐसा ही होता है यार, हाँ वही भी लव मैरिज अरेंज मैरिज में सब भी है। अच्छा हाँ, जगह मैं ऐसा। पूछूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे, आप नहीं कोई BFX नहीं कोई था पहले, क्रश वगैरह बता सकते हो? नहीं कोई दिक्कत नहीं नहीं है? नहीं अच्छा था कोई, नहीं, कोई तो होगा, आप छुपा रहे हो तो बात अलग है। मतलब आपको सुनना है। अच्छा नहीं, आज तो सच है, बस वही सुनना है, झूठ नहीं सुनना, मैं झूठ चाहता भी नहीं। मैं झूठ बोलती भी नहीं। चलो बड़ी अच्छी बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो क्रश पर नहीं है, चलो। क्योंकि झूठ बोल के कोई फायदा भी नहीं है, हाँ यही तो, 2 दिन का आगे थोड़ी जाके अगर आगे जाके कोई प्रॉब्लम हुई तो कुछ भी, एक साथ सबकी लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने बता दिया कि कोई नहीं है। है। चलो सही है, अच्छी बात है। हाँ वैसे ना फ्यूचर हस्बैंड से ना कुछ छुपाते नहीं है। हाँ हाँ वरना दिक्कत हो जाती है। ये तो है। वैसे आपने मुझे फर्स्ट टाइम देखा तो नर्वसनेस तो होगी ना, हाँ थोड़ा बहुत तो वो तो सबके इसमें रहता है, ऐसा तो नहीं है कि हाँ। मुझे तो थी बहुत ही नर्वसनेस थी, घर वाले सुबह से सर पे चढ़ा के रखा था। मतलब पता है क्या बोल रहे थे, कि लड़के के सामने ज्यादा हंसना मत और ज्यादा बोलना भी मत, हाँ चुपचाप बस बैठ ही रहना, अगर कुछ पूछे तो ही जवाब देना। अच्छा, हाँ यही होता है। देखो मैं ना, मेरे से तो मतलब ये सब कुछ नहीं बोला था, मैं मतलब मेरे अंदर से ही आ रहा था कि मैं इससे बोलूंगा क्या, बात क्या करूंगा, फर्स्ट टाइम है, कभी मिले तो है। मेरी तो, मुझे तो जब बोला गया ना कि बात करने के लिए बुला रहे, मतलब कि बात करने और दोनों बात कर लो, तो मुझे तो एकदम हार्ट बीट बढ़ गई कि मैं जाऊंगी तो भी क्या बोलूंगी, कुछ बोल तो नहीं पाओगी। यही तब तो मुझे लग रहा था जल्दी से निकल जाए बस बाहर। देखो ना, किसी इंसान को बहुत मतलब बहुत टाइम से जान रहे हो तो चलो ठीक है, उससे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, नर्वस नहीं हाँ है। अब तुम किसी को मतलब अचानक से मिल गए, ना तुमने कभी उसको देखा ना कभी मिले, तो हाँ नर्वसनेस होती है थोड़ी बहुत, तो होती होती है, बंदा बेशरम हो तो उसको नहीं होगा, बट जो सीधा साधा है ना उसको ही हाँ होता है ना। होगा। वैसे मेरा भाई बोल रहा था कि लड़का, अब मतलब जब आप देखने आए ना हाँ तो उसने ही पहले आपको देखा था, मतलब वो नीचे ही था जब आप लोग आए ना, तब तो फिर ना वो पीछे, मतलब हमारे पीछे के साइड दरवाजा है ना घर हाँ का, तो वहां के किचन में आके बोलता है कि यार मतलब तो मुझे तो यकीन ही नहीं होता है ऐसा बंदा तुझको देखने आएगा। अच्छा, नहीं मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। नहीं उसने बोला कि तुझे ये बंदा ले जाएगा तो इसके तो मैं पैर धो के भी लूं, क्योंकि अच्छा उसके ना उसे बहुत निकालने की जल्दी थी मुझे। जो भी रील्स वायरल नहीं हुई है बहन के थ्रू, गाड़ी वाला आया इसको। हाँ वैसे वाला ही, वैसे मेरी और उसकी लड़ाई बहुत होती है ना, इसलिए वो बोलता है कि तू एक बार चले जाना तो सब कुछ मेरा ही है। भाई बहन में तो प्यार भी बहुत होता है, लड़ाइयां भी बहुत होती हाँ वो तो बोलता ही है कि जल्द से जल्द बस अब शादी करवा दो, फिक्स है। तो हो ही गया है, इसको निकाल दो तो मेरा सब कुछ प्राइवेट हो जाए मेरे घर में। हाँ, सारे भाई यही चाहते हैं। हाँ वैसे वैसे आपको तो दिक्कत नहीं होती होगी ना इतनी। नहीं, मेरे तो देखो, मेरी तो कोई बहन नहीं है, हाँ हाँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और बताइए, और पूछ लीजिए, मैं बताता रहूं। बस कुछ नहीं, हैंडसम हो आप। ऐसे 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 नहीं बोलते, वो तो तो बाद में पता चलेगा। मेरा भी यही मानना है। अच्छा
अच्छा, मेरा भी यही मानना। मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं हाँ फिर ठीक ना है, बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, और भी आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे, ठीक है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, बाय। बाय।